फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2020 आप यहां पर चेक कर पाएंगे। 25/5/2020 को नोटिफिकेशन जारी हुई, यानी कि 25 मई को यहां पर ये वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल आपको यहां पर इसमें 7 प्रकार की वैकेंसी दी गई है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड से आपको यहां पर आवेदन करना होगा। अगर मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन करके दिखाऊं तो आप यहां पर चेक कर पाएंगे। जो यहां पर अपडेट डेट है 25/5 रहेगी, और अगर आप यहां पर क्लिक हियर पर यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करेंगे तो आप यहां पर इसका रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, ये वन विभाग में बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर सीधी भर्ती आई हुई है। अगर आप 8वीं 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कम से कम अगर आपने 8वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में आपको टोटल वैकेंसी दी गई है 1,080 वैकेंसी दी गई, यानी कि 10 की 80 आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है। और इस भर्ती में आपको कोई दौड़ परीक्षा भी नहीं होगी, यानी कि आपके यहाँ पर इस भर्ती में रनिंग भी नहीं होगी। और इस भर्ती में फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगी, अगर आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात होगी, इस भर्ती में आपको कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं देना, यानी कि बिल्कुल फ्री में आपको आवेदन करना होगा। और अप्लाई जो मोड होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आज क्वेश्चन होगा ये आपकी स्क्रीन पर। भारत की राजधानी है, ऑप्शन ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको राइट आंसर लगा हो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज यार इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता कर जाना। फ्रेंड्स, इस भर्ती का रिक्रूटमेंट नेम रहेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। अगर फ्रेंड्स आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप आप यहां से कर पाएंगे। यहां पर आपको हम डेली जॉब अलर्ट के यहां पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 1,081 वैकेंसी दी गई। जो पोस्ट नेम है, टोटल आपको यहाँ पर 7 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। फॉरेस्ट वन के लिए होगी, यानी कि फॉरेस्ट फर्स्ट के लिए होगी, स्टेनोग्राफर थर्ड, यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड और सर्वेयर के लिए होगी, कारपेंटर, ड्राइवर और यहाँ पर मोहित के लिए आपको वैकेंसी दी गई है। मोहित वैकेंसी के लिए आप 8th पास से भी आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा, यानी कि अप्लाई जो मोड होगा ऑनलाइन मोड से ही आपको यहाँ पर केवल और केवल आवेदन फिल करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के यहाँ पर पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। वैसे यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग होगी, लेकिन आपको यहाँ पर सैलरी के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। फॉरेस्ट के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी होगी, इसके लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी 14,000 रुपये से लेकर 60,500 रहेगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। इसमें यहाँ पर ड्राइवर पोस्ट के लिए 14,000 से लेकर 60,500 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल है। काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए सैलरी आपको दी जा रही है। अगर हम इस भर्ती की एज लिमिट की बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 43 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2020 को की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी को आपकी जिन्हें तो 18 से कम हो, नहीं 43 से ज़्यादा हो। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की छूट भी मिलेगी। ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन जो फीस रहेगा, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, और एससी एसटी पीएच और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस आपको यहाँ पर देना नहीं होगा, यानी कि सभी कैंडिडेट को यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, फॉरेस्ट वन और यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए केवल और केवल आपका हाइट नापी जाएगी, और किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हाइट नहीं होगी। यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट होंगे, यहाँ पर इस प्रकार से इनकी हाइट होना अनिवार्य। जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और एसटी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो हाइट रहेगी 153 सेंटीमीटर रहेगी। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है तो यहाँ पर जो आपकी हाइट रहेगी 160 सेंटीमीटर होगी। फीमेल के लिए जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगी, और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 145 आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, जो उसमें आपकी हाइट रहेगी 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपकी चेस्ट रहेगी, यहाँ पर 69+5 सेंटीमीटर का आपको फुला होना अनिवार्य, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए होगा। रनिंग यहाँ पर इस भर्ती में कोई मेंशन नहीं की गई, यानी नोटिफिकेशन में रनिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।
अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फॉरेस्ट्री के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी होगी इसमें भी ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। प्लस आपके यहाँ पर जो स्टेनो होनी चाहिए उसकी 80 WP की स्पीड आपके पास होना अनिवार्य है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है, यानी कि 10+2 आपके पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर सर्वेयर के लिए 10वीं पास होना चाहिए। मोहत पोस्ट के लिए आपको 8वीं पास होना अनिवार्य है। ये जो यहाँ पर कारपेंटर की वैकेंसी होगी उसमें भी यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य। ड्राइवर पोस्ट के लिए आप 10वीं पास से आवेदन कर पाएंगे। इस बढ़ते हुए सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट रहेगा। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। सबसे पहले फोटो सिग्नेचर, जो फोटो आपका होना चाहिए उसका लाइट कलर का बैकग्राउंड होना अनिवार्य है। एजुकेशन के सभी डिटेल आपके पास होना अनिवार्य है। डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, यानी कि एक आपके पास आईडी प्रूफ भी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 25 मई से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 26 जुलाई 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबसाइट पर आने का आपको यहाँ पर यह लाभ होगा कि आपको यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप आवेदन करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे, और अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है, तो उस वीडियो के लिए कम से कम अगर इस वीडियो पर 300+ लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। असम गुवाहाटी की ओर से यहाँ पर ये वाला नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर भर्ती चलेगी। आपको यहाँ पर इसमें क्लिक ही और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन का होगा। आपको यहाँ पर इसमें डिटेल बतानी हो, यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करके आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।